नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्क राशि वालों, दोस्तों आपके लिए एक ही औरत है या फिर एक ही स्त्री है जो कि आपकी जिंदगी में रोशनी भर देगी। ये दोस्तों अगर आप इन्हें समय रहते जान लेंगे कि यह औरत या फिर यह स्त्री कौन है तो दोस्तों ये आपके घर को बिल्कुल ही जन्नत बनाकर रख देगी। ये दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए दोस्तों इन्हें अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें कि दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन काल में किसी न किसी औरत का हाथ अवश्य होता है, तभी जाकर उन्हें सफलताओं की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस जीवन काल में औरत का भी बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। जिस क्षेत्र में आपके साथ अगर औरत हो तो दोस्तों आपके सामने कई प्रकार के अच्छे मौके आते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार औरत के आ जाने से कई काम भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको यश में उस औरत की बात कर रहे हैं जो कि आपकी जीवन में बिल्कुल ही रोशनी भर देगी। जी दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो का निर्माण ग्रहों का विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है। जी दोस्तों, अगले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इनके साथ आप इस औरत की पहचान कैसे कर सकते हैं, यह औरत आपको कौन से क्षेत्र में मिलने वाले हैं, साथ ही दोस्तों इनके आ जाने से आप सभी के जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से बड़े बदलाव और कौन से चमत्कार आपके जीवन काल में आपको देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलने से इसमें आपको राहत और सुकून मिलेगा। यश में भावुकता के बजाय व्यवहारिक तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को अंजाम दें। कुछ प्रभावशाली लोगों का साथ आपके दोस्ताना संबंध बनेंगे तथा आपके व्यक्तित्व में और अधिक सकारात्मकता यश में आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में और अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक विचार ना उपजने दें। अगर कोई कोर्ट से संबंधित मसला चल रहा है तो दोस्तों यश में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परेशानियों का समाधान तो आपको प्राप्त हुआ है, फिर भी दोस्तों पूरी तरह से तकलीफ दूर नहीं हुई है, इसलिए निराश न होकर अपने प्रयत्न जारी रखें। केवल मित्र का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए दोस्तों जो लोग आपको मदद करने में सक्षम हैं उनके साथ ही अपनी समस्याओं को शेयर करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप अपनी कार्यकुशलता द्वारा हल निकालने का प्रयास करेंगे और उनमें सफल भी रहेंगे तथा कुछ समय से चल रही समस्या का उचित समाधान भी आपको प्राप्त होगा। किसी नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का प्रोग्राम भी यश में बन सकता है। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपको नुकसान दे सकता है, तो दोस्तों यश में योजनाएं बनाने के साथ साथ कार्य रूप देना भी आपके लिए आवश्यक होगा। बच्चों की किसी परेशानी में उनका मार्गदर्शन करना उनके मनोबल को बढ़ाएगा, तो दोस्तों यश में उन पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कई सारी बातें से संबंधित अचानक से समस्याएं बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको किसी भी विषय में निर्णय ले पाना कठिन लग सकता है। दोस्तों आपके बढ़ते कन्फ्यूजन के कारण करीबी व्यक्ति पर भी विश्वास रख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। परिवार और पैसे से संबंधित बड़े निर्णय यश में आपको नहीं लेना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि संतान के करियर से संबंधित विशेष कार्रवाई शुरू होने से आपको राहत भी प्राप्त होगा। पिता या फिर पिता समान व्यक्ति का सहयोग आपको मिल सकता है जो कि आपके लिए भाग्यदायक कारक रहेगा। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार में कोई नकारात्मक पुराने मसले यश में फिर से उठ सकते हैं। यश में बहुत अधिक धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी। दोस्तों यश में आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जब भी कठिनाइयाँ आती है आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपका तनाव थोड़ा कम होता है।
लेकिन दोस्तों समस्या का हल आप अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। परिस्थिति का सामना यशमय आपको करना सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समझोगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपकी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी सफल रखेगा। भाइयों के साथ चल रहे मतभेद इसमें समाप्त होंगे तथा संबंधों में पुनः मधुरता आने वाली है। बच्चों की किलकारी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से घर में भी प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। किसी नजदीकी संबंध के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने से चिंता भी आपको रह सकती है। इसके बाद दोस्तों यश में आपको बता दें कि गुस्से की अपेक्षा धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें, जिससे दोस्तों आप अच्छे परिणाम को हासिल कर पाएंगे। बच्चे की गतिविधियों पर भी आपको इसमें नजर रखना चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों पर आपको इसमें गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में बदलाव लाना यशमय पड़ सकता है। परिस्थिति आपके पक्ष में ना होने के बावजूद भी आप अपनी नाराजगी को खुलकर नहीं दिखाएंगे। अपने नेतृत्व गुण को दिखाने का अवसर भी यशमय आपको प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि आपके द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं उनके परिणाम आपके लिए बहुत ही जागरूकता महसूस करवाएगी। और उसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें बिल्डर व फिर प्रॉपर्टी डीलर उचित मुनाफा कमाएंगे। परंतु दोस्तों इसमें बाहरी गतिविधियों और संपर्क सूत्रों से किसी भी प्रकार की व्यापारिक अनुबंध ना करें, क्योंकि दोस्तों धोखाधड़ी हो सकती है। युवा वर्ग भी अपने करियर के प्रति जो है गंभीरता से कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यशमय बिजनेस के नज़रिए से समय बहुत ही अनुकूल है। आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे, किसी प्रकार की कॉम्पिटिशन का सामना भी यशमय आपको करना पड़ सकता है, परंतु थोड़ी सी सावधानी रखने से आप यशमय सफल भी रहेंगे। आपको बता दें कि यशमय नौकरी करने वाले लोग बिजनेस करने के लिए प्रयत्न भी करना शुरू कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। यशमय लाभदायक परिस्थितियाँ आपके ऊपर दस्तक दे रही है, परंतु अत्यधिक मेहनत करने की यशमय आपको जरूरत होगी। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों को यशमय दूर ही रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी परेशानी में पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों यशमय बड़े बुजुर्गों का सलाह लेना आप बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशमय व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप आपको उचित परिणाम भी प्राप्त होगा। सभी गतिविधियाँ सुचारू रूप से पूरी होती जाएंगी। अपनी योजनाओं को जो है अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों यशमय इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऑफिस का माहौल भी यशमय किसी प्रकार की राजनीति से आपको परेशानी दे सकती है, तो दोस्तों यशमय इनसे बचने का प्रयास करें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए यशमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमय जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी यशमय नजदीकी आने वाली है तथा यह संबंध मर्यादित भी रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय किसी महत्वपूर्ण विषय में पार्टनर अचानक से आपका साथ भी छोड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यशमय प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिलने में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है। यशमय धैर्य रखना आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी के कुछ तनाव रह सकता है। प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों यशमय अपने जीवन साथी पर आपको विश्वास करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यशमय वैवाहिक जीवन तो सामान्य रहेगा, प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों यशमय इन सब चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए। अपने जीवन साथी पर आपको यशमय शक नहीं करना चाहिए। अपने रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय को परिवार द्वारा सहमति मिल पाने के लिए आपको प्रयत्न बढ़ाने होंगे और आपको यशमय सफलता में मिलेगी। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें, अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यशमय आपको जो आत्मबल है उनमें कमी आ सकती है। शारीरिक कमजोरी भी आप इनमें महसूस करेंगे। योगा और मेडिटेशन करें तथा प्रकृति के सानिध्य में भी कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें अति आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय
आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि थकान की वजह से पैरों में सूजन और दर्द की समस्या रहेगी। समय समय पर आराम करना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें, थायराइड अथवा हार्मोन से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, अपनी जाँच इसमें आप अवश्य करवाएं। जो भी इनसे पीड़ित व्यक्ति हैं अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। उसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से आपके मांसपेशियों में दर्द व फिर खिंचाव रह सकता है। दोस्तों आप यह समय व्यायाम और मेडिटेशन पर जरूर समय दें। दोस्तों ये आपके उत्तम इलाज होगा।